हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं चैप्टर 8, जिसका नाम है मोशन ऑफ अ पार्टिकल, उसका सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। पिछले पार्ट में मैंने कुछ आपको फॉर्मूले बताए थे, जो था इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फॉर्मूला बेस्ड था अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहता है तो उस पर यह फॉर्मूला लगता है। फर्स्ट फार्मूला था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड फार्मूला था कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड फार्मूला था बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक्सेलरेशन के उल्टा क्या होता है? रिटार्डेशन। क्या होता है कि इसका भी फॉर्मूला इस फॉर्मूले के भी अपोजिट रिटार्डेशन का फॉर्मूला होता है। जैसे कि इसमें हो जाता है कि भी इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, इसमें क्या होता है भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो रिटार्डेशन क्या हो जाता है भी इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, और एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस। बस जहां उसमें प्लस लगता है वहां इसमें माइनस लगता है, इसमें बस ए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ए ऊपर वाले में यहाँ पर ए हो जाता है एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ही होता है, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलेंगे। जब रिटार्डेशन दिया रहेगा तो एक्सेलरेशन की जगह बस वहां पर रिटार्डेशन रखेंगे, यानी कि यहाँ पर ए इज इक्वल टू हो जाएगा रिटार्डेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर, टी इज इक्वल टू टाइम इन सेकेंड, और यू और बी इज इक्वल टू हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम। तो चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं कि रिटार्डेशन पर कैसा न्यूमेरिकल पूछता है। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड फॉरवर्ड विद कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, टाइम एलेप्स बिफोर इट स्टॉप, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर स्टॉप। बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और उसका रिटार्डेशन कितना है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि वो बॉडी, मतलब कि रिटार्डेशन का मतलब होता है कि वो इतने वेलोसिटी से वो रुक रही है वो बॉडी। तो पूछ रहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड बाद उसका क्या वेलोसिटी रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो बॉडी रुक जाएगी। तीसरा पूछ रहा है कि रुकने से पहले टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। निकालते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी दिया हमें, वो दिया है कितना 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको मान सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ये दिया है यू इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो हो जाएगा 45 इंटू 1000 अपन में 60 इंटू 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें क्या दिया है, इसका रिटार्डेशन दिया है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, वो क्या होता है स्पीड इंक्रीज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, बट रिटार्डेशन डिक्रीज इन वेलोसिटी होता है, यानी कि यहां पर रिटार्डेशन ऑफ बॉडी, इसको भी हम लोग ए से ही डिनोट करेंगे, वो क्या होगा माइनस में होगा, वो कितना है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में रिटार्डेशन दिया है यानी कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा। फर्स्ट निकालते हैं, फर्स्ट क्या पूछ रहा है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी आएगा उसमें, यानी कि हमें टाइम दिया है कितना 2 सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू कितना निकाला हूं 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड बाद कितना वेलोसिटी हो जाएगा, तो इसमें एक फॉर्मूला लगा लेते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होगा तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकालना है यू, यू कितना है ये 12.5, और यहां पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पर ए क्या है निगेटिव में है, ये हो जाएगा 1.25 इंटू टी कितना है 2 सेकेंड, ये हो गया। या फिर यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट अगर यहाँ पर माइनस लेंगे अगर फॉर्मूले में, तो फिर हम यहाँ पर जो रिटार्डेशन जो माइनस में वैल्यू लिया है उसको प्लस में लेना पड़ेगा, तो ये भी ध्यान देना है कि अगर आप फॉर्मूले में प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर रिटार्डेशन में माइनस करना पड़ेगा, और अगर आप रिटार्डेशन को प्लस में ले रहे हैं तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से भी इज इक्वल टू निकलेगा वो होगा 12.5 माइनस 2.5, ये हो जाएगा भी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो 2 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगा उस बॉडी का वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड।
इनिशियल वेलोसिटी कितना था 12.5 सेकेंड, और 2 सेकेंड बाद कितना कम होगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ये निकला है पहले का आंसर। दूसरा निकालते हैं। दूसरा पूछ रहा है क्या कि टाइम इलेप्स्ड बिफोर इट स्टॉप, रुकने से पहले कितना टाइम वो चला होगा बॉडी, ये निकालना है। सेकेंड टाइम इलेप्स्ड बिफोर इट स्टॉप, रुकने का टाइम हमें निकालना है, यानी कि इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि रुकने के बाद निकाल रहे हैं, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना दिया है 12.5 मीटर पर सेकेंड, इसमें वही सेम फॉर्मूले रख लेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, और यहाँ पर सिर्फ a यहाँ पर जो है वो रिटार्डेशन है, इसको माइनस में रख लेंगे। v इज इक्वल टू u, u कितना है 12.5 माइनस यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 1.25, तो क्वेश्चन में दिया है, और t इज इक्वल टू निकालना है, तो यहाँ पर v का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो रख लेंगे, तो जीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12.5 माइनस 1.25 टी, तो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में होगा, यानी कि हो जाएगा 12.5 इज इक्वल टू 1.25 टी, यहाँ से टी का वैल्यू निकालेंगे तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 12.5 अपॉन में 1.25, यानी कि टी इज इक्वल टू आएगा 10, और टाइम है तो सेकेंड में आएगा, यानी कि 10 सेकेंड तक वो बॉडी मूव किया है रुकने से पहले, टाइम निकला है। अब हमें क्या निकालना है तीसरे में, तीसरे में डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर स्टॉप, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर स्टॉप, रुकने से पहले कितना ट्रेवल किया है, यानी कि हमें सब कुछ पता चल गया, यहां पर टाइम पता चली गया है, उसका इनिशियल वेलोसिटी पता चली गया है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि लास्ट में जाकर रुक रहा है, तो हमें सिर्फ क्या डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर एक्सेलरेशन है यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ से जब डी इज इक्वल टू निकालेंगे यू, यू कितना इनिशियल वेलोसिटी हुआ है 12.5, टी टी कितना है, टोटल टाइम कितना चला है 10 सेकेंड, यानी कि 10 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1/2, एक्सेलरेशन क्या है 1.25 इंटू टी कितना है 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से d इज इक्वल टू निकालेंगे वो होगा 12.5 इंटू 10 यानी कि 125 माइनस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और 100 में 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125/2, 125/2 यानी कि d इज इक्वल टू हो जाएगा 125 माइनस ये हो जाएगा 62.5, d इज इक्वल टू हो जाएगा 62.5 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 62.5 मीटर, ये हो गया फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि मोटर कार टेक्स 10 सेकेंड टू कवर 30 मीटर्स एंड 12 सेकेंड टू कवर 42 मीटर्स, फाइंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 15 सेकेंड। बोल रहा है कि एक मोटर कार है वो 10 सेकेंड ले रहा है 30 मीटर कवर करने में, और 12 सेकेंड ले रहा है 42 मीटर कवर करने में, उसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है कितना होगा, और पूछ रहा है कि 15 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना होगा। गिवन क्या दिया हमें, फर्स्ट दिया कि टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है 30 मीटर, यानी कि डिस्टेंस व्हेन एस इज इक्वल टू कितना दिया 30 मीटर, और टाइम इज इक्वल टू दिया 12 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना दिया कवर कर रहा है 42 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार यानी कि इसको u से डिनोट करेंगे, u इज इक्वल टू ये हमें नहीं दिया निकालना है, और इसका एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि e, तो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें क्या है, इसमें टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, हमें u और a निकालना है यहां से, तो एक बार डिस्टेंस रखेंगे 30 मीटर तो 30 इज इक्वल टू यू, यू निकालना इंटू टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन निकालना इंटू टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से ही निकालेंगे, ये 30 इस साइड है तो उस साइड लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 यू
प्लस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ से 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा, यानी कि 50 ए इज इक्वल टू 30। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे इसको रखते हैं, टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड और एस इज इक्वल टू 42 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 42 इज इक्वल टू यू, यू निकालना है, टी इज इक्वल टू कितना है 12 प्लस 1/2 इंटू ए निकालना है, और टी इज इक्वल टू है 12 का स्क्वायर। वैसे इसको सेम कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 यू प्लस 1/2, यहां पर है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 144 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 ए इज इक्वल टू, ये 42 बचा है इधर, 42 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं और यू और ए का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पर 10 u 50 है और इज इक्वल टू 30। इसको और छोटा कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर 10 कॉमन करके इधर कैंसिल कराएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर u प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 a इज इक्वल टू 3। इसको अब मान लेते हैं यहाँ से फर्स्ट, इसको नहीं, तो ये हो जाएगा u 5a इज इक्वल टू 3। तो क्या काम करते हैं कि यहां से अगर u का वैल्यू निकालेंगे तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3 - 5a, और u का वैल्यू इसमें रख लेते हैं, लिख लेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ u, u इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा 3 - 5a फ्रॉम इक्वेशन 1। ये भी लिख लेंगे, मतलब इक्वेशन 1 से यू का ये वैल्यू निकाला हूं और सेकेंड में रखा हूं, इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, इक्वेशन सेकेंड क्या है 12, और यू इज इक्वल टू क्या है 3 - 5a प्लस 72a इज इक्वल टू 42। तो यहां से अगर ए का वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, ये माइनस होगा बीच में माइनस है तो 60 ये हो जाएगा प्लस 72a इज इक्वल टू 42। यहाँ पर -60a है और यहाँ पर +72a, यानी कि यहाँ पर आएगा ये जो 72 में 60 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 12, यानी और ये 36 है इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 12a इज इक्वल टू 42 - 36, तो ये हो जाएगा 42 - 36, यानी कि यहां पर अगर लिखेंगे ए इज इक्वल टू तो ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 6/12, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल आया वो आया 0.5। इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को अगर इसमें रखेंगे u इज इक्वल टू 3 - 5a, तो यहां से u का वैल्यू निकल आएगा, ए इज इक्वल टू आया 0.5 एक्सेलरेशन, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां से u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू 3 - 5a, इसमें रखेंगे 3 - 5a, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 5 * a की जगह रखेंगे 0.5, यानी कि u इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 0.5, यानी कि इसका भी वैल्यू आ गया 0.5, और u u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमें एक्सेलरेशन आ गया और इनिशियल वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो हमें तो यहाँ से एक का तो आंसर निकला है, एक तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ही पूछ रहा था कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना, वो होगा 0.5, और दूसरा पूछ रहा है उसमें कि 15 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अ कार आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो ये भी निकालेंगे। तो वी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस ए टी, यू इज इक्वल टू अभी जस्ट निकाला 0.5 इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए कितना है एक्सेलरेशन, वो भी है 0.5, और टाइम कितना है 15 सेकेंड बाद, यानी कि 15, तो यहाँ से भी वी इज इक्वल टू निकला होगा 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड बाद उसका जो वेलोसिटी होगा वो 8 मीटर पर सेकेंड होगा। ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ऑन टर्निंग अ कॉर्नर ऑफ अ मोटरिस्टिक रसिंग एट अ 19 किलोमीटर पर आवर, फाइंड अ चाइल्ड प्लेइंग ऑन द रोड 100 मीटर अहेड, ही इंस्टेंटली स्टॉप द इंजन एट अप्लाई अ ब्रेक्स सो एज द स्टॉप द कार
विद 5 मीटर फ्रॉम द चाइल्ड कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। बोल रहा है कि एक ड्राइवर बोल रहा है कि एक ड्राइवर अपने गाड़ी को 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मतलब चला रहा है, और एक टर्निंग के बाद वो देखता है कि 100 मीटर दूर रोड पर एक बच्चा खेल रहा है, तो वो ब्रेक मारता है, तो गाड़ी जा करके बच्चे से 5 मीटर पहले रुक जाती है। तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगा है गाड़ी को रुकने में। गिवन वैल्यू, गिवन हमें क्या दिया दिया हमें उसका क्या वेलोसिटी दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो गाड़ी चला रहा है, यानी कि वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी है ये, कितना दिया 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 90 × 1000 अपन में 60 × 60, यानी कि u इज इक्वल टू हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ओके, और डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया हमें रुकने का, जब वो ड्राइवर देखा है तो बच्चा कितना 100 मीटर दूर खेल रहा था रोड पे, लेकिन गाड़ी कहाँ ले जाकर रोका है उस बच्चे से 5 मीटर पहले, यानी कि टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया है इक्वल टू 100 मीटर टोटल था, और 5 मीटर पहले ले जाकर रोक दिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर किया है 95 मीटर का, यानी कि s इज इक्वल टू कितना है 95 मीटर। गाड़ी क्या है कि रुक रही है जाकर के, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, और इसका इसमें एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन लगेगा, यानी कि रिटार्डेशन लिखेंगे यहां पर रिटार्डेशन ऑफ मोटरिस्ट, इसको a से डिनोट करेंगे, ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला एक बताया हूं रिटार्डेशन में, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बट इसमें क्या हम लोग माइनस लेंगे क्योंकि रिटार्डेशन है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अगर एक्सेलरेशन रहता तो यहाँ पर प्लस ले लेते, बट यहाँ पर रिटार्डेशन है इसलिए माइनस लेंगे। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि गाड़ी रुक रही है, यानी कि यहाँ पर बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, a निकालना है, और डिस्टेंस कितना कवर किया है 95, यानी कि 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 625 माइनस ये 95 इंटू 2 कितना होगा 190 a, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 190 a इज इक्वल टू 625, a इज इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो 625 अपन में 190, ऐसे a इज इक्वल टू निकालेंगे वो हो जाएगा 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका रिटार्डेशन निकला है इतना। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, लेट t इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप कार, कितना टाइम लगा होगा रुकने में, तो इसको v इज इक्वल टू u माइनस at, ये एक फॉर्मूला होगा, रिटार्डेशन है तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है, u इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25 माइनस a एक्सेलरेशन अभी जस्ट निकाला हूँ ये 3.3 इंटू टाइम t इज इक्वल टू निकालना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 है माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3.3t इज इक्वल टू 25, t इज इक्वल टू यहाँ पर आया 25 अपन में 3.33, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाएगा 7.6 सेकेंड, यानी कि 7.6 सेकेंड लगा है उस गाड़ी को उस बच्चे से 5 मीटर पहले रोकने में। ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि टू बॉडीज आर एट अ रेस्ट एट अ 500 मीटर अपार्ट, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम, फर्स्ट विद द एन एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट। बोल रहा है कि दो बॉडी है और 500 मीटर दूरी पर है एक दूसरे से। सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि एक बॉडी ये है जो ए है और ये एक बॉडी है वो बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, यानी कि
यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर। फिर बोल रहा है कि दे स्टार्ट मूविंग टू वर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम। बोल रहा है कि एक ही टाइम पे ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ, ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है सेम टाइम पे। बट क्या बोल रहा है कि फर्स्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो ये फर्स्ट बॉडी है इसका एक्सेलरेशन क्या है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सेकेंड जो है इसका एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम दे मीट, तो बोल रहा है कि कितने टाइम पे ये एक दूसरे से मिल लेंगे। मान लेते हैं कि ये कहीं कहीं पॉइंट है, उसको सी मान लेंगे, कि कितने टाइम पर सी पॉइंट पर दोनों आ जाएंगे और मिलेंगे एक दूसरे से, ये निकालना है हमें। पहले निकालेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट बॉडी, जो बॉडी ये फर्स्ट है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये निकालते हैं हम। तो ये निकालेंगे तो यानी कि एस वन जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है UT + ½AT2। तो यहाँ पर लिखेंगे UT + ½AT2। तो यहाँ से एक फर्स्ट बॉडी है तो डिस्टेंस इसका एस वन है, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी यू वन होगा, एक्सेलरेशन भी इसका ए वन होगा, यानी कि इसको हम लोग ए वन से डिनोट करेंगे तो इसको ए टू से डिनोट करेंगे। ओके, यानी कि एस वन इज इक्वल टू यू वन। यू वन कितना इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो है, क्योंकि वो बॉडी क्या है रेस्ट कंडीशन में, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यानी कि यू इज इक्वल टू जीरो इंटू टी। टी कितना है निकालना है हमें, तो यहाँ पर टी रखेंगे प्लस 1/2 ए, एक्सेलरेशन कितना है फर्स्ट का 15, यानी कि ये हो जाएगा 15 इंटू टी निकालना है, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, यानी कि एस वन यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 15/2 t2। एस वन आ गया इतना मीटर में आएगा, डिस्टेंस है। अब हम ये फर्स्ट बॉडी का निकाल लिया, अब सेकेंड बॉडी का निकालते हैं द डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकेंड बॉडी, वो कितना होगा S2 = U2T + ½A2T2। S2 इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या जीरो होगा, क्योंकि ये भी रुका है, यानी कि 0 × T + ½ ए टू कितना एक्सेलरेशन टू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 10 है, तो ये हो जाएगा 10 × T² यानी कि यहां से S2 आएगा, S2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 5 T² हो जाएगा मीटर। ये निकाला है डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड बॉडी। क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और मिल रहे हैं, तो वो पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो मिलेंगे वो निकालना, यानी कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी बाय बी, यानी कि दोनों का दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, जो जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस जो एस वन है वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू हो जाएगा S1 + S2, यानी कि बॉडी ए से कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और कितना डिस्टेंस बॉडी बी से ट्रेवल हुआ। तो यहाँ से S1 कितना निकाला हूँ, S1 कितना क्वेश्चन दिया हुआ है 500 मीटर दिया है, इज इक्वल टू S1 कितना निकाला हूँ, S1 है 15/2 t² और S2 है 5 t², दोनों को रखेंगे 15/2 t² + 5 t², दो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, तो इसमें एक बार मल्टीप्लाई होगा और इसमें एक बार होगा, तो ये हो जाएगा 15 t², ये एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 15 t² + 5 × 10 t² इज इक्वल टू 500 × 2 यानी कि 1000। 15 t² + 10 t² यानी कि 25 t² इज इक्वल टू 1000। टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1000/25, यानी कि t² इक्वल टू हो जाएगा 40, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाएगा √40। तो जब √40 को बाहर करेंगे रूट से तो t इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 6.32 सेकेंड,
यानी कि 6.32 सेकेंड में वो क्या हो जाएगा, बॉडी दोनों बीच में आकर के इधर कहीं पॉइंट सी पर मिलेगी, कितने टाइम में, 6.32 सेकेंड में। ये हो गया आंसर। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस टाइप्स के न्यूमेरिकल के लेकर के आऊंगा कि अगर अगर अर्थ पे खड़े होकर अगर मैं स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकूं, या फिर कोई किसी टावर पे चढ़कर अगर किसी स्टोन को नीचे गिरा रहा हूं, तो उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालेंगे उस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।